आप बहुत सारी ऐसी वीडियो देख के आए होंगे जिसमें बताया होगा 9 फेब से फीमेल अट्रैक्शन होगा, आपसे लड़कियां पड़ जाएंगी, आपसे झूमेंगी, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई सा जादू मंत्र जो आप फूकेंगे और एकदम लड़कियां झूम लेंगी या फॉग वाला एडवर्टाइज है। भाई सब कुछ नहीं होता, एक जो साइंटिफिक चीज है मैं आपको वो चीज बता देता हूँ, आपको इससे जरूर बेनिफिट। कीप योर स्माइल, आई एम ए के, वेलकम अगेन माय चैनल, प्राउड माय कंट्री, रिस्पेक्ट और रिलीजन। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आप 9 फेब क्यों स्ट्राइक कर रहे हो। अगर आपका मोटिव है फीमेल अट्रैक्शन का तो आप 9 फेब नहीं करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 9 फेब से आपको ही जो बेनिफिट होंगे आप उनके लिए करो। जैसे आपका बॉडी पोस्चर ठीक हो सकता है, आपको अट्रैक्टिव लग सकते हैं थोड़े ज्यादा, आपकी स्किन थोड़ी ज्यादा ग्लोइंग हो सकती है, बट आपको जब फीमेल अट्रैक्शन ही करते हो आपको ये चीज़ नहीं मिलती तो आप दोबारा मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको इससे कोई फायदा होगा ही नहीं। तो आप इसलिए स्टार्ट ही ना करो 9 फेब। अगर आपको करना ही है तो आप अपने लिए करो, ना कि किसी दूसरे के लिए, ना कि आप ना फीमेल अट्रैक्शन के लिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और अगर आप इसी चीज़ के लिए कर रहे हो आपको फीमेल अट्रैक्शन के लिए, तो आपके इस अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा 9 फेब से। तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ किस तरीके से होगा। अगर आप जब 9 फेब स्टार्ट करते हो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है, आपका माइंड सोचने लगता है, आपके माइंड के अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी आ जाती है कि वो किसी भी तरीके जवाब बहुत आसानी से दे सकता है। जैसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हो तो इस टाइम में आपकी सोच बिल्कुल शांत हो जाएगी, आप ज़्यादा घबराओगे नहीं। अगर आप इस तरीके से हो गए तो आप किसी को भी आराम से इम्प्रेस कर सकते हो और यही आपका मेन पॉइंट रहेगा। तो आपको 9 फेब कंटिन्यू करने से आपको फीमेल अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे आपका जो माइंड है वो तो सही रहेगा, बट आपके अंदर सब्र आएगा, आपके अंदर सोचने की शक्ति आएगी, जिससे आप ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करोगे और इससे आपके ज़्यादातर काम सुधरेंगे, चाहे वो आपकी लाइफ का हो, लव लाइफ का हो, या किसी भी तरीके का काम हो, आपको हर काम सुधरेगा ना कि बिगड़ेगा। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जल्दी का काम शैतान का रहता है, तो ये समझ जाना है। आपको हर काम में सोच समझ के करना है, किसी में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। आप समझ रहे हो मैं किस तरीके की बात करना चाह रहा हूँ, तो आप समझ गए होगे। बट आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इतना भी ज़्यादा स्लो नहीं रहना है कि और कोई आए वो चीज़ आपसे छीन के ले जाए, तो इससे भी आपको बचना है। जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस चीज़ का कवर होती हैं साथ में, वो चाहे आपका फीमेल अट्रैक्शन हो, आपका 9 फेब से क्या क्या बेनिफिट है आपको खुद नहीं मालूम। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपके हेयर ख़राब है, आपकी स्किन बेकार है, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, मैं ये बात नहीं कर रहा आप गोरे नहीं हो, गोरे होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो बहुत से अलग अलग बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं गोरा हो ये भाई वो, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, इससे बहुत से लोगों को गलत इफेक्ट पड़ता है, उनको सुसाइड भी कर लेते हैं कई लोग। तो आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, मैं आपसे बोलता हूँ किसी को परेशान ना करें उसके रंग की वजह से या उसके किसी, बट हाँ हम अपनी स्किन का ग्लो ठीक कर सकते हैं, हम अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं, हम अपने पिंपल्स ठीक कर सकते हैं, और वो हमारे होंगे 9 फेब कंटिन्यू रखने से। ध्यान रखना, इससे आपके हेयर ठीक होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपकी बॉडी पोस्चर ठीक होगा, साथ में आपकी हर चीज़ आपकी स्किन पर अगर एक बार ग्लो आएगा तो आप थोड़े अट्रैक्टिव दिखोगे, आप हैंडसम दिखोगे। आप सोचो आपको किस चीज़ के लिए क्या रिक्वायरमेंट लगती है, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। आपका फेस अच्छा होना चाहिए, आपके हेयर अच्छे होने चाहिए, आपको ये चीज़ खुद देखना पड़ती है, ना कि दूसरे से आप मालूम करो कि मुझे क्या चाहिए। आपको खुद मालूम है अगर मैं अच्छा लगूंगा, मैं अच्छा दिखूंगा तो मुझे उससे क्या बेनिफिट होगा, मैं किस तरीके से। आप दूसरी चीज़ों में भी कर सकते हो अपने अच्छे अच्छे काम, बट आप अपने रंग के लिए इतना ज़्यादा परेशान ना होना कि मेरा रंग काला है मेरा ये, बट आपको अपनी स्किन के अंदर से पिंपल्स हटाने हैं, एक्ने हटाने हैं, ना कि आपको अपने स्किन कलर हटाना है, आपको अपना ब्लैक कलर हटाना है ना। वो हमारे एक ताकत है, वो हमें ऊपर वाले ने दिया है, तो आपको उसे रखना है, ना कि उसे ऐसे भगा देना है। नहीं, गलत चीज़ है वो आपकी, अगर आपको जो रंग दिया है वो आपके लिए बेस्ट है, ना कि आप किसी के कहने पर उसे छोड़ दें, आप सोचें कि मैं गोरा हो जाऊँ, ये आपकी गलती है। आप इससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इससे आपको दो तरह के नुकसान होते हैं। अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो इससे आपकी आधी स्किन गोरी हो जाए, आधी काली हो जाए, और क्योंकि आपकी नेचुरली नहीं है तो आपकी फिर हो सकता है ऐसा, तो आप इस तरीके काम ना करें, इससे आपको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को तक इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च और सर्च हर चीज़ करी है तो आपको भी दिख रहा होगा, तो बस आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारी को सपोर्ट करें और एक कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।